Hey guys, welcome to my channel Karan 3 Velocity. मेरा नाम है करण सक्सेना. सो इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो. सो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इमोशनल होने वाला है. मुझे लगा नहीं था कि इस कॉमिक की स्टोरी इतनी ज़्यादा डार्क और बेस्ट होगी. सो यार, आप लोग थंबनेल देखकर आए हो तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पार्ट में फ्लैश के साथ क्या होने वाला है. खैर, ये वाला एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 5. सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जॉम्बी कैप्टन एटम से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे 3 शहर कुछ ही सेकंड में तबाह हो चुके हैं. वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर और मेट्रोपोलिस शहर के मिलियन लोग मारे गए हैं. यहाँ हम देखते हैं कि डायना और सुपरमैन उस ब्लास्ट से बच गए हैं और ब्लैक कैनरी ने अपनी लैंटर्न पावर से डेली प्लैनेट की बिल्डिंग को बचा लिया है, जिसमें सुपरमैन की फैमिली और कुछ सुपर हीरो हैं. इसके बाद हम यहाँ पर लूथर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ हुए ब्लास्ट को किसी तरह से सर्वाइव कर गया है और वह यहाँ सुपरमैन से फाइट करने के लिए नहीं आया है. खैर, इसके बाद हम देखते हैं आज से कुछ दिन बाद सुपर हीरो इंटरनेट को बंद करना शुरू करते हैं, जिसमें फ्लैश सभी मेन इंटरनेट के सर्वर को डिस्ट्रॉय कर देता है. डायना सभी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है. वहीं सुपरमैन और सुपरबॉय इंटरनेट लाइंस को काट देते हैं, जो कि ओशन के नीचे ये इंटरनेट लाइंस पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती थीं. और इस प्रकार से पूरी तरह से वर्ल्ड के पूरे इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है, जिससे कि इंटरनेट द्वारा एंटीलाइव वायरस स्प्रेड ना हो सके. सो वायरस अब सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से ही फैल सकता है. इसके बाद थिमिस्केरा में वंडर वुमन हिपोलिटा से परमिशन मांगती है कि हमें वर्ल्ड के बचे हुए लोगों को अपने यहाँ शरण देनी ही होगी. ये सुनकर डायना की मॉम हिपोलिटा कहती है, डायना ये तुम क्या कह रही हो, हम यहाँ मैंस को कभी नहीं आने देंगे. इसके जवाब में डायना कहती है, बाहर वर्ल्ड में वायरस फैल रखा है, अगर हमने उन्हें यहाँ शरण नहीं दी तो वहाँ कोई नहीं बचेगा, हमको ही उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा. इसके बाद डायना, मीरा और सुपरमैन मिलकर पूरे थिमिस्केरा टापू को ऊपर की ओर उठाते हैं, जिससे थिमिस्केरा की जमीन किनारों पर और बढ़ जाती है और इस बड़ी हुई जगह में वर्ल्ड के बचे हुए लोगों को रखा जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं गौथम जंगल को, जो कि हफ्ते भर से अच्छे से ग्रो हो गया है और इस जंगल की जो दीवारें हैं कांटों से भरी हुई हैं और दीवारों से पार जाना किसी के लिए आसान नहीं है. सो यहाँ पर डेमियन, ओलिवर और कैनरी होते हैं. सो ये तीनों पॉइजन आईवी से हेल्प मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि पॉइजन आईवी वर्ल्ड के बचे हुए लोगों के लिए सेफ जगह का इंतजाम कर सकती है. तभी हम देखते हैं अचानक से जॉम्बी किलर क्रॉक इन तीनों पर हमला कर देता है और ये तीनों मिलकर किलर क्रॉक को रोकने की कोशिश करते हैं. पीछे से पॉइजन आईवी किलर क्रॉक को मारकर पेड़ों की जड़ों में अटका देती है और पॉइजन आईवी इन तीनों को भी पकड़ लेती है. ओलिवर कनेरी से कहता है, हमें अपनी लैंटर्न पावर से आज़ाद कराओ. ये सुनकर डेमियन कनेरी से कहता है, हरियाली या पेड़ों को नुकसान मत पहुँचाना, क्योंकि अगर किसी प्लांट और हरियाली को नुकसान पहुँचा तो आईवी इन लोगों की हेल्प नहीं करेगी. खैर, डेमियन को बैट सूट में देखकर पॉइजन आईवी कहती है, ये रॉबिन ने बैटमैन की ड्रेस क्यों पहन रखी है. सो डेमियन कहता है, बैटमैन जा चुका है. ये सुनके पॉइजन आईवी कहती है, आई एम सॉरी. इसके बाद आईवी और हार्ली मान जाते हैं कि ये वर्ल्ड के बचे हुए लोगों को यहाँ रहने की जगह देंगे और साथ में खाने को खाना भी देंगे. पर आईवी और हार्ली के कुछ रूल्स होते हैं कि लोगों को खाना खाने तभी मिलेगा जब पेड़ पौधे चाहेंगे, और जो भी हरियाली को नुकसान पहुँचाएगा उसे मॉन्स्टर को खिला दिया जाएगा. सो डेमियन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए उसे आईवी के रूल्स को मानना पड़ता है. इसके बाद हम देखते हैं साइबॉर्ग और लूथर ने मिलके एक इन्फॉर्मेशन हब बनाया है और यहाँ सभी हीरोज़ को रहने का इंतजाम किया है. सो ये जगह फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है. सो ये वही जगह है जहाँ पर सुपरमैन की क्रिप्टोनियन शिप थी. सो यहाँ पर लूथर और साइबॉर्ग एक बहुत बड़ा शिप बनाने की सोच रहे हैं, जिस शिप का नाम आर्क है. सो आर्क शिप पर 7 मिलियन लोगों को एक साथ रखा जा सकता है और अर्थ को छोड़कर जाया जा सकता है. सो सुपरमैन लूथर के अर्थ को छोड़ के जाने वाली बात को सुनकर कहता है, हम इस अर्थ को छोड़कर नहीं जाएंगे. सो लूथर सुपरमैन से कहता है, सुपरमैन मैं इस प्लेनेट का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूँ. तभी लूथर साइबॉर्ग की तरफ देखकर कहता है, बैटमैन मर गया है ना. तो साइबॉर्ग बताता है, हाँ बैटमैन मर चुका है. इसके बाद लूथर फिर से सुपरमैन से कहता है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं इस प्लेनेट का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि ये दुनिया ख़त्म हो गई है, और अगर इंसानियत बच भी गई है तो इंसानियत को इस अर्थ को छोड़कर जाना ही होगा. लूथर की ये बातें सुनकर सुपरमैन चिल्लाते हुए कहता है, हम इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे. तभी मार्था सुपरमैन से कहती है, बेटा क्लार्क,
शायद ये ही एक रास्ता है। सो लूथर सुपरमैन को चढ़ाते हुए कहता है, दो वर्ल्ड को तो खो ही दिया है, वो भी एक ही लाइफ टाइम में, हाउ केयरलेस। ये सुनकर लोइस लूथर के मुंह पर एक जोर का पंच मारती है और कहती है, तुम मेरे हस्बैंड से ऐसे बात नहीं कर सकते, अगली बार तुमने ऐसी फालतू बात की तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गौथम जंगल में आसपास के बचे हुए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ आते हुए सभी लोगों से हार्ली क्विन कह रही है, वेलकम टू पैराडाइज और घास पर पैर मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी ओर थिमिस्केरा में ब्लैक कैनरी ने वर्ल्ड के बचे हुए लोगों को यहाँ ला रही है अपने ग्रीन लैंटर्न्स की पावर का यूज़ करके। सो इस समय तक वायरस के फैले हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं। वहीं फ्लैश और सुपरमैन ने मिलकर आर्क शिप को बनाना शुरू कर दिया है और आर्क शिप का 50% स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके बाद हम पहुँचते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर, जहाँ पर सभी हीरोज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी होता ही है कि यहाँ पर बहुत तेज भुनभुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि सभी लोग अपने कानों को हाथ से बंद कर लेते हैं। तभी मार्शियन मैनहंटर की एंट्री होती है और वो पहले से ही ज़ॉम्बी बना हुआ है और यहाँ हीरोज के बीच छुपा हुआ था। सो मार्शियन मैनहंटर के पास इनविजिबल होने की पावर्स हैं और माइंड कंट्रोल करने जैसी पावर्स हैं। सो मार्शियन मैनहंटर यहाँ इसलिए एंट्री कर पाया क्योंकि वो इनविजिबल हो सकता है। अगर आपने यहाँ नोटिस ना किया हो तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि एंटी लाइफ वायरस की भी एक अपनी सोच है और इसी वजह से ज़ॉम्बी मैनहंटर ने सभी लोगों पर पहले हमला नहीं किया और वो यहाँ छुपकर रह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैनहंटर लूथर और फ्लैश को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। इसके बाद फायरस्टॉर्म अपनी पावर से मार्शियन मैनहंटर को जलाकर मार देता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब फ्लैश भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, जो कि इस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सो वॉली वेस्ट देखता है कि फ्लैश कहीं चला गया है। सो सुपरमैन अपने विजन से देखकर बताता है कि फ्लैश भाग रहा है। सो यहाँ पर वॉली फ्लैश के पीछे जाने लगता है, पर सुपरमैन वॉली को जाने से मना करता है क्योंकि वॉली भी वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। सो सुपरमैन खुद ही फ्लैश को पकड़ने जा रहा है तो ओलिवर सुपरमैन से पूछता है, क्या लगता है तुम फ्लैश को पकड़ लोगे? तो सुपरमैन कहता है, शायद नहीं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैश को, जो कि ज़ॉम्बी में बदल गया है और वो बहुत तेज़ी से वायरस को फैला रहा है और वायरस साउंड की स्पीड से फैल रहा है लोगों में। खैर, पता नहीं क्यों मुझे फ्लैश के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर आपको भी बुरा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन स्पेस में पहुंच गया है। सुपरमैन साइबॉर्ग को बताता है कि फ्लैश अब इन्फेक्टेड है। तो साइबॉर्ग सुपरमैन से पूछता है, तुम फ्लैश को कैसे पकड़ोगे? सो सुपरमैन कहता है, फ्लैश को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसे अपोजिट साइड से आकर मिलूंगा। इसके बाद सुपरमैन और फ्लैश की बहुत खतरनाक टक्कर होती है, जिसमें सुपरमैन फ्लैश को फाड़ते हुए निकल जाता है और फ्लैश के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर होता यह है कि सुपरमैन के पेट में फ्लैश की उंगलियाँ घुस जाती हैं और अब हम जानते ही हैं कि सुपरमैन भी कुछ समय में एंटी लाइफ वायरस के इन्फेक्शन से ज़ॉम्बी बन जाएगा। खैर, इस मूवमेंट में हमें पता चलता है कि क्या हो अगर दो अनस्टॉपेबल फोर्स एक दूसरे से टकरा जाएं, जिसमें फ्लैश तो मारा गया पर वो सुपरमैन की स्किन को फाड़कर एंटी लाइफ वायरस दे गया। इसके बाद सुपरमैन वॉली वेस्ट को बताता है कि फ्लैश अब जा चुका है, आई एम सॉरी। सुपरमैन वॉली को खुद के इन्फेक्ट होने की बात भी बताता है और कहता है, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, क्या तुम मुझे और मेरी फैमिली को स्पीड फोर्स में ला सकते हो जिससे मुझे कुछ टाइम मिल सके? सो वॉली कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें स्पीड फोर्स में ले आऊँगा। सो स्पीड फोर्स डीसी यूनिवर्स में एक नेचुरल पावर की तरह है और स्पीड फोर्स से ही फ्लैश और वॉली को पावर्स मिली हैं और स्पीड फोर्स के अंदर टाइम अलग तरह से चलता है या टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है। इसके बाद वॉली वेस्ट सुपरमैन और उसकी फैमिली को स्पीड फोर्स से कनेक्ट कर देता है और स्पीड फोर्स की मदद से सुपरमैन को कुछ टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपनी फैमिली से बात कर सकता है। सो सुपरमैन अपनी फैमिली से बात करता है। वो अपनी मॉम से कहता है, थैंक यू मुझे ढूंढने के लिए, मुझे पालने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, थैंक यू जो आपने मुझे अपना नाम दिया। जब मेरी दुनिया तबाह हो गई थी तब आपने और डैड ने मुझे एक नई दुनिया दी। इसके बाद सुपरमैन लोइस से कहता है, लोइस मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली, मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ पर कैसे भी मैंने तुम्हें ढूंढा, थैंक यू मुझे चुनने के लिए। इसके बाद सुपरमैन अपने बेटे जोनाथन से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हैं पर तुम उन सब चीज़ों में लाइट हो, तुम एक होप हो, मैं जानता हूँ तुम इस यूनिवर्स को बदल दोगे और तुम पर इस बात का प्रेशर नहीं है, बस तुम सबकी हेल्प करते रहना, तुमसे मिस्टेक होंगी, तुम फेल भी होगे पर मैं तुम पर हमेशा प्राउड करूंगा, मैंने इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें देखी हैं पर तुम उन सब में बेस्ट हो। इसके बाद सुपरमैन यहाँ से स्पेस में चला जाता है, अर्थ से बहुत दूर,
और वो अपनी सांसों को रोक देता है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होने पर उसकी डेथ हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हीट विजन निकल रहा है क्योंकि सुपरमैन धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है और यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 5 एंड हो जाता है। तो क्या सुपरमैन ज़ॉम्बी बन जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 6 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।